हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 8.2 का आज मैं पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें लिखना है शब्दों में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का ए नंबर दिया है 0.05, बी में क्या है 0.75, सी में दिया है 5.10, डी में है 22.56, जीरो पॉइंट जीरो तीन दो, छह पॉइंट जीरो जीरो आठ। ठीक ना है, सब क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा, इसलिए सबको लिख दिए हैं। इसको क्या करना है ना, इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखना है, क्या लिखेंगे पहले? पॉइंट से पहले क्या है यहाँ पे? शून्य है ना। जीरो को हिंदी बोलते हैं शून्य, ठीक ना, शून्य। अब पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। शून्य दशमलव शून्य पाँच, शून्य दशमलव शून्य पाँच, बस इसको केवल शब्द में लिख देना है। इसको क्या लिखेंगे? शून्य दशमलव, पहले जीरो है, फिर क्या दशमलव है? शून्य दशमलव सात पाँच, सात पाँच। इसको लिखेंगे 5.10, पांच है पॉइंट से पहले पांच, लेकिन दशमलव पांच दशमलव फिर एक है, एक लिखेंगे एक शून्य। पॉइंट से पहले पूरा लिखेंगे, पॉइंट से पहले 22 है ना, ये 22 दशमलव पाँच छः, इसको लिखेंगे शून्य दशमलव शून्य दशमलव, फिर क्या दिया? शून्य तीन दो, शून्य तीन दो। इसको लिखेंगे 6.00, छह दशमलव शून्य शून्य आठ, दो को जीरो है ना, शून्य शून्य आठ। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। ठीक ना, पहले देखो जो सारणी दिया गया उस सारणी को बनाते हैं, तो बॉक्स को कैसे पूरा करना है उस बॉक्स के बारे में भी हम समझाते हैं। टेबल देखो क्या दिया गया है, ए है, ठीक ना, अच्छा पांच क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन किम दिया गया है बी सी डी ई। ठीक, अब देखो यहाँ पर यहाँ तो दिया गया इकाई, यानी एक। ठीक, फिर क्या दिया? दशांश। दशांश मतलब क्या होगा? एक बटे दस। फिर दिया शतांश, शतांश का मतलब एक बटे एक सौ। फिर दिया अंक, अंक Thank you.
अब क्या करना हमको जो ना यहाँ पे क्या करना है इसको पूरा करना है ठीक ना। आप यहाँ ध्यान समझेगा सर, देखो यहाँ पे देखो पांच क्वेश्चन देखो दिया गया है ना। पांच क्वेश्चन क्या किया दिया गया, ए बी सी डी ई, अब पांचों क्वेश्चन को बनाएंगे इसी में। यहाँ देखो जो पूरा डब्बा भरा है ठीक ना, जो पूरा डब्बा भरा है उसको बोलते हैं इकाई, जो पूरा भरा है उसको क्या बोलेंगे इकाई। उसके बाद देखो ये एक लाइन को बोलेंगे यहाँ पे दशांश, जैसे कि एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन भरा है ना, पांच दशांश हो गया। जो खुला जो खुला ठीक ना, जो खुला एक दुगो है इसको बोलेंगे शतांश ठीक। जब यदि ये डब्बा यदि पूरा भर जाए, डब्बा यदि पूरा भर जाए तो उसको इकाई बोलेंगे। यदि जो है एक एक लाइन भरे ठीक ना, एक लाइन भरा हुआ हो, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन, इसको बोलेंगे दशांश। और खुला जो है ये एक गो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जो चार पांच गो है यहाँ पर खुला है ना, इसको बोलेंगे शतांश। पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन देखो ए नंबर में, क्या ये डब्बा पूरा भरा हुआ है? नहीं ना भरा हुआ है, इसका मतलब इकाई जीरो है। इकाई क्या है? जीरो। डब्बा पूरा भरेगा तब बोलेंगे इकाई। दशांश देखो क्या गो है, दशांश मतलब लाइन, एक दो तीन चार पांच, क्या लाइन भरा है? पांच लाइन, दशांश हो गया पांच। शतांश मतलब खुला, खुला वाला देखो क्या गो है, एगो। खुला क्या गो है? एगो। शतांश हो गया ये एक, बस अंको लिख दो, पहले लिख दो यहाँ जीरो, पॉइंट दे दो, लिख दो पांच एक, जीरो पॉइंट पांच एक। दूसरा में देखो, दूसरा देखो ये डब्बा पूरा भरा है ना, क्या गो डब्बा पूरा भरा है? एक डब्बा, कितना डब्बा पूरा भरा है? एक डब्बा, इकाई हो गया एक ठीक। उसके बाद देखो इसमें दशांश बिल्कुल नहीं होगा ठीक ना, ये पूरा भर ले है ना, दशांश जीरो। शतांश यानी खुला, खुला को बोले ना, ये भी जीरो, बस इसको लिख दो एक पॉइंट जीरो जीरो। अगला देखो इसमें देखो क्या डब्बा ये पूरा भरा हुआ है? नहीं भरा हुआ, इकाई मतलब जीरो है, नहीं भरा इकाई जीरो है। उसके बाद देखो दशांश मतलब क्या को लाइन पूरे भरल है? एक लाइन, ज्या लाइन वह दशांश, जितना लाइन उतना दशांश, एक लाइन पूरा भरा है ना, एक दशांश, दशांश के एक। खुला वाला क्या गो देखो, एक दो तीन चार पांच छह, छह गो है खुला का शतांश छह, इसको लिख दो पहले, इसको जीरो पॉइंट एक छो। ये वाला देखो क्या पूरा डब्बा भरा है, ये को कारण है पूरा डब्बा नहीं भरा, नहीं भरा है, एक यहाँ बचा हुआ रह गया है ना, जिसके कारण की यहाँ पे इकाई हो गया जीरो। उसके बाद दशांश तो क्या गो लाइन भर ले पूरा, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ लाइन पूरा भरा है, नौ दशांश। खुला क्या गो है? खुला भी आप गिने ये नौ गो है, यहाँ देखा नौ, ये तुमको हो गया जीरो पॉइंट नौ नौ। अगला देखो इसका, ये डब्बा पूरा नहीं भरा है, इकाई जीरो, क्या एक लाइन भरा है, दशांश एक। खुला देखो एक भी नहीं है, नहीं है तो पिछले शतांश भी क्या हो गया जीरो, इसको लिख सकते हैं हम लोग जीरो पॉइंट एक जीरो ठीक। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, तो बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।